नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं बीके न्यूज। उत्तर प्रदेश में अपराधियों और बदमाशों पर योगी पुलिस यूपी पुलिस हर वक्त नजर बनाए रहती है। आपको बता दें कि जिस तरह से अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम किया जा रहा है, उससे अपराधियों के खेमों में लगातार योगी के नाम का खौफ बैठ गया है। आपको बता दें कि हाल ही में एक बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से सामने आई है, जहां पर शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए करीबन 22,000 लीटर शराब को नष्ट कर दिया गया और वहीं लगभग 18,000 लीटर से ज्यादा की स्पिरिट को वहीं के वहीं नष्ट कर दिया। आपको बता दें, ये कार्रवाई कहीं ना कहीं मुंह पर तमाचा है उन लोगों के, जिन्होंने अपने फायदे के लिए हजारों लोगों को जहरीली शराब देकर मौत के घाट उतार दिया। आइए जरा एक बार इन विजुअल्स पर नजर डालिए, इन वीडियोस पर नजर डालिए, जिसमें यूपी पुलिस आबकारी विभाग लगातार उन शराबों को धकेलते हुए और उनको नष्ट करते हुए नजर आ रही है। तो देखा आपने किस तरह से आबकारी विभाग लगातार उस शराब को नष्ट करते हुए, हजारों लीटर शराब को नष्ट करते हुए योगी के आदेश के बाद, कोर्ट के आदेश के बाद उन शराब माफियाओं के मुंह पर एक तमाचा चढ़ रही है। इस खबर पर अपनी राय भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें बीके न्यूज़।